कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका जी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, कल जुतिया है और आज नहाने खाने वाला दिन है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 7, तो मैंने घर का सारा काम ख़त्म करके नहा लिया है और जा रही हूँ अब खाने के लिए मड़ुआ का रोटी और सतपुतिया का सब्जी। सतपुतिया को आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग के बिहार में तो सतपुतिया ही बोला जाता है। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बना है, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये है सतपुतिया का कली जो फरता है इससे। तो उसको हमको निगलना है पानी की सहायता से, इसको दांत से नहीं चबाना है, पानी से ही निगलना है। तो मैं निगल ली हूँ। और ये है हमारा मड़ुआ का रोटी और सतपुतिया का साग सब्जी। तो इसको मैं खा लेती हूँ। हम लोग का नियम है पहले हम इसी को खाएंगे, मड़ुआ का रोटी और सतपुतिया का सब्जी, उसके बाद चाय पानी पियेंगे। तो मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, गैस को ऑन कर ली हूँ और यहाँ पर ले ली हूँ थोड़ा सा आटा। इससे हम बनाएंगे ठेकुआ और इसको हम ओठंगन बोलते हैं बिहार में। तो इसमें शुद्ध घी से इसको बनाया जाता है, अच्छा घी से, रिफाइंड से नहीं बनाते हैं, फॉर्चून से। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसको अच्छे से मोमिया लेती हूँ और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो पहले मोमिया लेती हूँ अच्छे से, इसको मोम डाल ली हूँ, उसके बाद चीनी डालूँगी इसमें। तो इसको बनाते हैं तो सिर्फ जेंट्स लोग खाते हैं, औरत या बच्ची नहीं खाती है, ये सिर्फ जेंट्स के लिए बनता है। तो इसमें मैं चीनी डाल लेती हूँ और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से सान लेंगे और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। तो सान लेती हूँ मैं इसको अच्छे से। तो ये देखिए, मेरा आटा अब सान चुका है। उसके बाद सान लिया मैंने आटे को और उसके बाद ये मैं घी डाल लेती रही हूँ कढ़ाई में और इसी में हम बनाएंगे। तो मैं पहले घी डाल लेती हूँ, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो छोटे छोटे लोई बनाकर हम, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तेल गर्म हो चुका है और मैं दो छोटे छोटे डाली हूँ चिल्ली सियारन के लिए, उसके बाद हम अपने लिए पकाते हैं। तो ये देखिए, मैंने 5 टेकुआ डाल दिया है और इसको हम अच्छे से चलाकर पका देंगे। तो ये देखिए, इसको हम पहले निकाल कर तेल से इसको हम गैस पर रखेंगे, वहीं पर रख देंगे। तब उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हम इसको बर्तन में रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर रख दिया इसको। अब हम लोग का ऐसे ही नियम होता है बिहार में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने वहाँ पर रख दिया है गैस पर और दो रख दिया है चिल्ली सियारिन को। हम रात को फेंकेंगे 11 बजे, 11:30 बजे के करीब में। तो आप लोगों ने कथा में सुना ही होगा, तो उसके लिए बाद में यहाँ पर ले ली हूँ। ये कोई भी खा सकता है, लेडीज़ इससे बनाऊँगी मैं खास्टा। तो इस के लिए मैंने ले लिया है मैदा 1 kg और इसमें डाल रही हूँ तेल, ये हमारा रुचि गोल्ड तेल है, इसको घी भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा होता है खाने में भी। तो मैं इसको डालकर अच्छे से मोमिया दूंगी मैदा में और उसके बाद हम मोमिया कर इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल लेती हूँ अपने अंदाज से, जितना हमको मीठा चाहिए। ये हम जो बनाएंगे ये इसको कोई भी खा सकता है कभी भी, और जो हम वो बनाए ओठंगन वो सुबह खाएंगे, जेंट्स लोग आज नहीं खा सकते हैं। तो मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ चीनी इसमें।
और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गूंदेंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसको अच्छे से मैं गूंद लेती हूँ, सान लेती हूँ। ज़्यादा हमको गीला नहीं करना है, इसे सूखा ही रहना है। तो ये देखिए हमारा आटा कितना बढ़िया गूंद चुका है। अब इससे हम ज़्यादा इसको गीला नहीं करेंगे और हम हाथ से ही इसको अच्छे से गोल गोले लोई बनाकर इसको बना देंगे। तो ये हो चुका है हमारा आटा, अब गूंद चुका है। तो मैं इसको अच्छे से रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें ये देखिए मैं लोई बना रही हूँ अब। और ऐसे ही हाथों से दबा दबा कर इसको मैं रख लूँगी बहुत सारा बनाकर। तो ये देखिए ऐसे ही बनाना है हमको। तो मैं बना कर रख लेती हूँ। ऐसे ही सारे ठेकुआ खस्ता को बना लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ खस्ता को, एक एक करके सारे खस्ते को हम डाल देंगे इसमें और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देर में इसको देखते रहना है, चलाते रहना है ताकि ये जले ना। तो मैं पहले डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा खस्ता कितना बढ़िया बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल कर एक गमला में रख लेती हूँ। और जो बाकी बचा है उसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो मैं बाकी के खस्ते को भी डाल लेती हूँ इसी में। और उसके बाद मेरा एक काम बाकी है, मेरा माला मोती का माला था उसी में मैंने अपने लॉकेट को डाला था तो वो टूट गया है। तो ये देखिए मैं उसको गूंथ रही हूँ सुई धागा में डालकर। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।